हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा कोडिंग जर्नी फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि नो कोडिंग एक्सपीरियंस, टू इवेंचुअली एंटर इनटू आईआईटी एंड फाइनली बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट वीएमवेयर। तो क्या था मेरा कोडिंग जर्नी, कैसे मैंने कोडिंग सीखा विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि मेरा 11 12 में कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैसे मैंने सीखा, कहाँ से सीखा, क्या क्या मैंने कोर्स लिया, या वो पेड है या फिर फ्री है, सब कुछ मैं इन डिटेल से बात करूँगा। एंड स्पेशली मेरा एंटायर कोडिंग जर्नी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो है कम्पिटिटिव कोडिंग, वो मैंने कहाँ से सीखा, कहाँ पे प्रैक्टिस किया था, कहाँ पे कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई कोडिंग जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वॉज इन माई बीटेक सेकेंड सेमेस्टर। तो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में एक कोर्स था इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ऐसे करके कुछ कोर्स था, वो सी प्रोग्रामिंग से था। नाउ आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब मेरा 11 12 में कोई कोडिंग एक्सपोजर नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कोडिंग क्या होता है। बट आई वॉज लाइक रियली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोडिंग, आई वॉज इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैंने 11 12 में कुछ किताब पढ़ा था कि वॉट आर द रियल मैथमेटिक्स दैट आर यूज टू यू नो इन कंप्यूटर साइंस। तो उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, बट आई हैड नो इंटरेस्ट इन कोडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Now when I come to that second semester, मेरे को C programming सीखना था, तो I started with this book like Later C, and then started with this book, the author name is Bala Guru Swami, and there was a friend of mine, हम लोग के hostel में था, उनका 11 12 actually Java था, तो उनका काफ़ी experience था coding में, तो उन्होंने हम लोग को समझा दिया कि कैसे coding काम करते हैं, कैसे हर चीज़ काम करते हैं, that was like easy। तो असली twist यहाँ पे आ गया जब third sem में data structure introduce हुआ। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग का बुक था, एक एस श्रीवास्तव नाम का एक बुक था, डेटा स्ट्रक्चर इन सी और सी प्लस प्लस। द फर्स्ट चैप्टर वाज एरे एंड मेमोरी एलोकेशन ऐसा कुछ था, तो वो भी हो गया। तो द सेकेंड चैप्टर वाज लिंक लिस्ट। जब लिंक लिस्ट आया ना, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, मतलब उसमें पॉइंटर कंसेप्ट है, उसमें स्ट्रक्चर की कंसेप्ट है, मतलब क्या हो रहा है मेरे को कुछ पता नहीं था। आई डिडंट हैव अ वेरी गुड ग्रिप ओवर दोज कॉन्सेप्ट लाइक पॉइंटर स्ट्रक्चर्स, वो क्या होते कैसे काम करते, तो बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गया था उस टाइम पे। उस टाइम यूट्यूब ऐसे पॉपुलर नहीं था, मेरे पास ब्रॉडबैंड भी नहीं था, तो बैंडविड्थ का बहुत इशू था। तो जितना सारा हो पाया हम हॉस्टल से या फिर कॉलेज से जो मटेरियल होता था वो मैं कलेक्ट करके ले आता था, एंड हम उसी से लर्न कर रहे थे। तो वन थिंग आई डिड एट दैट पॉइंट कि जो कोडिंग मैंने सीखा था उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, एंड जो पॉइंटर्स, जो ऐसे स्ट्रक्चर कैसे काम करते सब कुछ ऐसे सीख लिया। एंड उसके बाद मैं लिंक लिस्ट में जाके चीज़ें समझ में आने लग गए कि यार हाँ ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक कम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे लिंक लिस्ट में एक स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, कैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि अनलेस यू प्रैक्टिस वट एवर यू स्टडी, वट एवर यू रीड, वट एवर यू वॉच इन साइड ए वीडियो, तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप जो कुछ भी सीख रहे हो आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किया था, बहुत सारे कोड मैंने खुद से लिखा एंड एनालाइज किया कि क्या कैसे ये काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं कोड को। तो सब कुछ ऐसे करने के बाद जो था मेरा डेटा स्ट्रक्चर, वो डेटा स्ट्रक्चर समझ में आने लग गए। ठीक है, मतलब आई वॉज रियली लाइकिंग दैट सब्जेक्ट। तो उसके बाद मेरा फोर्थ या फिफ्थ सेम में एल्गोरिदम था। तो एल्गोरिदम के लिए मैंने क्या किया, NPTEL में एक ऑनलाइन कोर्स होता है, मैंने दो कोर्स में एक्चुअली एनरोल किया था, एक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड और एक था शायद प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर ऐसे नाम के कुछ कोर्स था। तो वो कोर्स में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो एल्गोरिदम एंड पूरा की पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है एंड कैसे प्रोग्राम काम करते हैं, क्या क्या फ्लो होते हैं, सब कुछ वहाँ पढ़ाया जाता था। एंड उसका एक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम भी होता था, यू हैव टू पे सम अमाउंट टू गेट दैट सर्टिफिकेट। तो आपको कोई दूसरे एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होता था, कोडिंग एग्ज़ाम था। एंड आई वॉज लाइक लेट्स पार्टिसिपेट एंड सी हाउ मच प्रोग्रेस डिड आई मेक। तो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड दोनों में ही मेरे को ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में नाम आ गया। तो ऐसे 5-6 लोग ऑल इंडिया में टॉपर सिलेक्ट होता कि जिनका मार्क्स सबसे ज़्यादा होता थ्रू आउट द कोर्स, तो मेरा दोनों में नाम आ गया। तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, मैं सही डायरेक्शन पे तो जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ किया जो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी भी मेरे को लगता है कि मेरा एंटायर कोडिंग जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया था, वो है मेरा कंपिटिटिव कोडिंग ज्वाइन करना। तो हम लोगों का कॉलेज में एक प्रोग्रामिंग क्लब था एंड आई सॉ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, बहुत अलग अलग कंपटीशंस होते थे। देन आई वॉज लाइक
क्यूरियस अबाउट दैट कि क्या है कंपटीटिव कोडिंग, क्या होता है, कैसे काम करते हैं, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था। तो उस टाइम मैंने एक वेबसाइट यूज़ किया था, अभी भी मैं जितना कंपटीटिव प्रोग्रामिंग मैंने किया था उस वेबसाइट से किया, वो है कोडशेड। ठीक है, कोड फोर्सेस में मैं उतना एक्टिव नहीं था, मैं बाद में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था कोड फोर्सेस में, बट मैं स्टार्टिंग से एकदम एंड तक पूरा की पूरा जो हर महीने का लॉन्ग चैलेंज होता है कोड शेप में, मैंने सब लॉन्ग चैलेंज कर लिया था। एंड उसके बाद जो छोटा कंपटीशन है लंच टाइम या फिर कुक ऑफ, ये भी पार्टिसिपेट किया था। तो कोड शेप आई वॉज रियली हैड अ पैशन टू फॉलो द कंपटीटिव प्रोग्रामिंग एट दैट पॉइंट। तो मैंने कोड शेप में काफ़ी सारे कोडिंग किया था। कंपटीटिव प्रोग्रामिंग मेरे को बहुत हेल्प किया था, मेरे को मतलब बैचलर्स में जॉब पाने के लिए या फिर मास्टर्स में जॉब पाने के लिए बहुत ही हेल्प किया था कंपटीटिव प्रोग्रामिंग। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं स्टार्ट किया था उस टाइम, अगर मैं नहीं स्टार्ट कर पाता तो शायद चीज़ें कुछ और होते थे, बट आई एम रियली ग्लैड कि उस टाइम बहुत ही हेल्प किया था कंपटीटिव प्रोग्रामिंग। नाउ उसके बाद क्या है कि उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट किया था, मतलब एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट किया था। आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं अनटिल यू इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ टू अ रियल प्रोजेक्ट, कि ऐसे प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट में कैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया था उस टाइम। एक प्रोजेक्ट किया था मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर, तो ओला एंड उबर की जैसे वेबसाइट था, तो उन वेबसाइट की जैसा एक वेबसाइट की क्लोन बना लिया था कि कैसे ये काम करते हैं। तो आपको सब कुछ वैराइटीज़ चाहिए, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप बैचलर्स कर रहे हो मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज़ इनफ फॉर यू, नो, आपको बहुत कुछ सीखना है। आपको एंड्रॉयड सीखना है, आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, आपको अगर ML सीखना है तो आप ML भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है जैसे कि Coursera, Udemy, Udacity, बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छे कोर्स रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बहुत ये ब्रेथ चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीटिव प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख के आप समझ जाओगे कि आप सब कुछ सीख गया, नहीं, आपको बहुत वैराइटीज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है आपको एकेडमिक्स पे। एंड उसके साथ साथ मेरा जॉब भी लग गया, पहला जॉब था TCS में, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट अनदर जॉब इन अ स्टार्टअप दैट वाज इन कोलकाता। तो द थिंग इज द मेन पार्ट दैट हेल्प मी टू गेट द जॉब इज कंपटीटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंपटीटिव प्रोग्रामिंग अगर सीखोगे तो जॉब के लिए आपको बहुत ही एडवांटेज हो जाएगा। बट ये नहीं है कि आपको कंपटीटिव प्रोग्रामिंग सीखना ही है, अगर आप नहीं भी सीखोगे तो भी आप बड़े बड़े कंपनी पे जॉब पा सकते हैं। तो आई यूज्ड गीक्स फॉर गीक्स अलॉट, आई यूज्ड इंटरव्यू बीट अलॉट, मतलब मैंने मोर देन 80% प्रॉब्लम इंटरव्यू बीट से सॉल्व किया था। लीक कोड थोड़ा बहुत किए थे, बट मेरा मेन कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं MTech में ज्वाइन किया IIT कानपुर में। तो बिफोर ज्वाइनिंग एट IIT मेरे दिमाग में ये था कि मैंने बहुत सारी चीज़ सीख लिया, बट आफ्टर एंटरिंग इनटू IIT मैंने देखा कि यार देयर मच मोर थिंग्स टू लर्न। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज़ वास्ट सब्जेक्ट, एंड जो कुछ भी हम लोग के सेमिस्टर में या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाता था वो कुछ भी नहीं है, एंड देयर इज मोर वर्ल्ड देन जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। वो तो काफ़ी एक छोटा सा पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, कंप्यूटर साइंस इज़ अबाउट एवरीथिंग, नॉट जस्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट वेब डेवलपमेंट, मतलब कंप्यूटर साइंस की अगर आप मतलब थियोरी नहीं सीखोगे, अगर आप जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, कैसे एक आर्किटेक्चर काम करते हैं, कैसे कंपाइलर काम करते हैं, वो सब अगर आप नहीं सीखोगे तो मतलब कंप्यूटर साइंस में आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं पाइथन भी सीखा था जब फर्स्ट सेम में मेरा मशीन लर्निंग था। उससे पहले पाइथन का मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, पाइथन थोड़ा बहुत जानता था लेकिन मतलब कुछ भी एक्सपर्टीज़ नहीं था पाइथन में। तो मशीन लर्निंग मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से साथ साथ मैं पाइथन भी स्टार्ट किया था, मतलब जो असाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट में पाइथन यूज़ होता था तो उस असाइनमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ में जो पाइथन की जो मॉड्यूल यूज़ होता है या फिर जो फंक्शन आप कॉल करते हो, जो लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो, उन सब लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करने होते हैं मैं जस्ट गूगल पे सर्च करता था, एंड जो रिजल्ट आते थे उससे मैं सीख लेता था। तो इसीलिए पाइथन भी सीखना आसान हो गया। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप टाइम वेस्ट मत करो कि पाइथन आपको पहले सीखना है, C++ सीखना है, जावा सीखना है, ऐसे मत करो। आप पहले कोई एक लैंग्वेज सीखो, उसके बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, उसके बाद जब कोई डिफिकल्टीज आएंगे तो आप गूगल सर्च करो कैसे वो चीज़ यूज़ होता है, अब देख लो एंड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। एंड उसके साथ साथ मेरा पाइथन का भी एक्सपर्टीज़ आ गया, एंड नॉट जस्ट पाइथन की कैसे एडवांस लाइब्रेरीज यूज़ करने हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब कैसे यूज़ करने हैं, पैंडास कैसे यूज़ करने हैं, नमपाई साईपाई कैसे यूज़ करने हैं, टेंसरफ्लो कैसे यूज़ करने हैं, पाइटॉर्च कैसे यूज़ करने हैं, केरास कैसे यूज़ करने हैं, सब कुछ मैंने उस टाइम पे सीख गया। ना उसके बाद मेरा और भी कोर्स था, लाइक मेरा ब्लॉकचेन था। ब्लॉकचेन में अगर आप ब्लॉकचेन जानते हो तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉकचेन होता है इथेरियम। तो इथेरियम में जो एक सॉलिडिटी लैंग्वेज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से
आपको कोड करना पड़ता है, तो यू हैव टू यूज सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक सम डैप्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। वो एक ब्लॉकचेन की तरह है एप्लीकेशन, जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आप अगर ब्लॉकचेन जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं और एक ब्लॉकचेन में कोड किया था जो है हाइपरलेजर फैब्रिक। एक कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी था मेरा, उनमें गोलैंग सीख लिया। एक असाइनमेंट था गोलैंग के ऊपर, तो मैंने गोलैंग भी सीख लिया। तो द मेन टर्निंग पॉइंट केम टू माई लाइफ जब मैं रिसर्च स्टार्ट किया था। मेरा 1.5 साल रिसर्च था, एंड रिसर्च वॉज इन डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स। एंड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ माई रिसर्च आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। आई रेड अ लॉट ऑफ लाइक पेपर्स, रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ आई डिड अ लॉट ऑफ कोर्सेज। इन कोर्सेरा आई डिड डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन, मशीन लर्निंग, देन NLP स्पेशलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ मैंने कर लिया था उस टाइम पे। तो मेरा एक एक्चुअली ग्रीप आ गया था एट दैट पॉइंट कि मेरे को सिस्टम में थोड़ा ग्रीप है, मेरे को ML में थोड़ा ग्रीप है, पर ML में मैं इंटरेस्टेड था ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे चीज़ पाइथन में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, एंड मेरा एंटायर रिसर्च वॉज ऑन पाइथन। तो ये करते करते मेरे को बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए थे, जैसे कि C++, जावा, गो, पाइथन, ये बहुत सारी चीज़ मेरे को आ गया था। एंड अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ में कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम ऐसे नूब कोडर की तरह हो, तो आप प्रो कोडर बनना चाहते हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को मान के अब चलो, ठीक है। आप अगर C++ या फिर पाइथन या फिर जावा या फिर C, अब कुछ भी यूज़ करके पहले स्टार्ट करो। सेम लैंग्वेज यूज़ करके लैंग्वेज पहले सीखो, सिंटैक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखो, सेम लैंग्वेज यूज़ करके कैसे कोड करना होता है। नाउ ये सब सीखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है। एंड ये आइडिया आने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। आप मान लो अगर सी या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो आप जावा इजिली सीख सकते हो, आप पाइथन इजिली सीख सकते हो, आप गो इजिली सीख सकते हो। तो दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो आप इसी को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। बट बिफोर दैट, अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपर्टीज नहीं है, आप कोडिंग सीखना चाहते हो एंड जानना चाहते हो व्हाट आर द बेस्ट फ्री रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको गेट कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है एंड जानना चाहते हो व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर गेट कंप्यूटर साइंस, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।